श्रीनगर गढ़वाल में एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये दो लोगों के बीच बहस का मामला है। नायब नाजिर पर शराब पीकर अभद्रता करने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की शिकायत लेकर वाहन चालक गोकुल गोस्वामी ने एसडीएम से मदद की गुहार लगाई, लेकिन एसडीएम ने वाहन चालक पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। कल एसडीएम कार्यालय में दो लोगों के बीच में कहा सुनी हुई, एक तो नायब नाजिर है पटवाल और दूसरे ये ड्राइवर हैं ये गोस्वामी, गोकुल गोस्वामी। इन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, कहा सुनी बढ़ते बढ़ते एसडीएम साहब के पास गए अपनी अपनी व्यथा लेकर, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो उसका अलग ही रूप हो गया कि ये जो गोस्वामी है ये अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ धरने में बैठ गया और बड़ी अभद्रता की उन्होंने कक्ष में जाके एसडीएम साहब के पास। तो उस संबंध में एसडीएम साहब की शाम को हमारे पास तहरीर आई है, उस पर हमने समुचित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। ये गोकुल पटवाल, उसकी पत्नी गोकुल गोस्वामी और इसकी पत्नी और उसके बच्चों के विरुद्ध। फिलहाल एसडीएम की तहरीर के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। श्रीनगर गढ़वाल से कुलदीप की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।